यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, ये बड़ी खबर बुलंदशहर से। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां करहिया उर्फ ओमवीर मुठभेड़ में घायल हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पर मुठभेड़ में दो अन्य बदमाशों को भी गोली लगी है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, और ज्यादा जानकारी लेंगे। लोकचंद हमारे संवाददाता बुलंदशहर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकचंद, ज्यादा जानकारी खबर पर। लोकचंद, आवाज मिल पा रही है आपको? त्रिलोकचंद, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, और साथ ही मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कन्हैया उर्फ ओमवीर मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। और ये कामयाबी मिली है बुलंदशहर में पुलिस को, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और इसी दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई।